हेलो क्लास सिक्स, मैं आपकी टीचर द्वेंदर कौर। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने 5.1 कर ली होगी। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में जो समझने वाला पार्ट है वो ये है कि रेवोल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है। अब उसमें जो है, जैसे क्लॉक की बात करें, अगर हम क्लॉक की बात करें, क्लॉक एक सर्कल में होती है। आपको पता है क्लॉक जो है वो सर्कल होता है। इस सर्कल में ठीक है, ये क्लॉक बना दी। अब इस सर्कल का एंगल जो है टोटल रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन जो है, ये इंट्रो पार्ट कर लो आप एक्सरसाइज 5.2 का क्लास सिक्स, ठीक है। इसमें जो है रेवोल्यूशन जो है ना 360 होता है। क्यों होता है? देखो, जब हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ से शुरू करा, सर्कल बनाया, ये हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। और आपको पता है डी के ऊपर जब हम हाफ मेजर करते हैं तो वो कितना आता है? 180। और इधर से दोबारा मैं हाफ पूरा कर दूंगी तो 181 प्लस क्या हो जाएगा? 360। तो एक पूरे सर्कल का जो एंगल होता है, रेवोल्यूशन जो कहलाता है, वो 360 होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अब हमें पता चल गया कि अगर हाफ की बात हो रही होगी, इधर से हाफ होगा या इधर से हाफ होगा, तो वो 180 हो गया। हाफ ऑफ 360 करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें जो है, एक तो हमने ये रेवोल्यूशन वाली बात देखनी है, एक चीज और आपको समझनी है इसके अंदर। जैसे ये 12 से लेकर 1 तक है, इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इसमें बनेगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। जैसे 12, 1, 2, 3 ऐसी होती है ना क्लॉक, तो 12 से 1 तक 30 डिग्री, फिर 1 से 2 तक 30 डिग्री, फिर 2 से 3 तक 30 डिग्री। तो ये मैं एंगल्स बता रही हूँ आपको कि 1 से 2 अगर ऐसे आ गया, सपोज आपकी वॉच में ऐसे और ऐसे है, ठीक है, तो इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं? 12 से 1 और 1 से 2, मतलब दो बार 30 डिग्री ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये क्लॉक है और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अब एंगल अगर बन रहा है यहाँ पर, घड़ी की आवर जो सुई है वो यहाँ पर है और मिनट वाली सुई अगर यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल अगर वो पूछेगा कितना बन रहा है, तो आप कैसे बताओगे? डी लेकर थोड़ी बैठोगे आप। क्या करोगे आप? देखोगे 2 से 3 तक 30 डिग्री, फिर 3 से 4 तक 30 डिग्री, फिर 4 से 5 तक 30 डिग्री, और फिर 5 से 6 तक 30 डिग्री। इन सब 30 डिग्री को प्लस करोगे जब आप, 3 प्लस 3 9, प्लस 3 12, प्लस 3 15। तो 2 से लेकर 6 तक जो सुइयां हैं, ये जो एंगल बना रहा है कितना बनाएगा? 150 डिग्री। तो इस तरह से हमें रेवोल्यूशन और हमें एंगल्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी से रिलेटेड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन, देखो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन उसका फ्रैक्शन बनाना है, डज द आवर हैंड, हमें ये आवर हैंड दिया हुआ है, ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 टू 9, 4 टू 7, 7 टू 10, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 3 टू 9 पहले फर्स्ट पार्ट के लिए पूछ रहा है, वो 3 टू 9 जाएगा तो क्या फ्रैक्शन बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम जैसे करेंगे, मैं एक वॉच बना लेती हूँ, 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। अब वो बोल रहा है 3 से 9 तक बन गया एंगल एक, ये वाला, ठीक है, ये वाला या उधर वाला, ठीक है, 3 to 9। लेकिन जब 3 to 9 पूछ रहा है तो हम इधर से घुमाएंगे, उसने 9 to 3 नहीं पूछा, उसने 3 to 9, तो 3 to 9 ऐसे जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है टोटल, हमें रेवोल्यूशन पता है, फ्रैक्शन के लिए जो टोटल चाहिए होता है, रेवोल्यूशन हमें पता है, रेवोल्यूशन क्या होता है,
पूरा रेवोल्यूशन होता है, फुल रेवोल्यूशन जो होता है कितना होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब वो 3 to 9 बोल रहा है, तो 3 to 9 तो हमें पता है कि 180 डिग्री बना रहा है, तो 3 to 9 कितना बनाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, अब मुझे फ्रैक्शन बनाना है, तो आप जब फ्रैक्शन बनाओगे ना, तो क्या करते हैं, जो टोटल नंबर आता है फ्रैक्शन में वो हमेशा नीचे आता है, नीचे जो आएगा टोटल नंबर आएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर क्या है, 360, ठीक है, और डिग्री हमने कितनी निकाली है, 180, जो हम डिग्री निकालेंगे वो ऊपर आ जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 to 36, तो 18 to 36, तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन गया, फ्रैक्शन मेरा बन गया 1/2। यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 4 to 7। अब मैं पहले बना लेती हूँ वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10, 11। अब वो बोल रहा है 4 से 7 पे जाएगा, तो पहले 4 और इधर से घूमेगा ना, इधर से घूमेगा 4 to 7 के लिए, तो जब 4 to 7 इधर को घूमेगा दैट मीन्स एंगल बना अंदर वाला। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कम वाले फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम काउंट करेंगे बीच वाले नंबर्स को ना, काउंट करेंगे हम, जैसे 4 to 5 गया तो कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री, 4 to 5 गया 30 डिग्री, 5 to 6 जाएगा तो 30 डिग्री, और 6 to 7 जाएगा तो 30 डिग्री। अब इन 30 डिग्रीज को हम प्लस कर देंगे, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, ठीक है, तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब इसको लिखना कैसे है, इसको हम लिखेंगे इसी की तरह, फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री, 4 to 7, क्वेश्चन में हमारे 4 to 7 था, तो यहाँ पर हम 4 to 7 की जगह लिखेंगे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करूँगी, 90/360, ठीक है, टोटल नंबर नीचे आएगा। अब जब टोटल नंबर नीचे आ जाएगा, इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 × 9, 9 × 4 = 36, तो फ्रैक्शन मेरा कितना बन जाएगा, 1/4, तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी पार्ट अगेन, ये बी पार्ट था, ठीक है। अब सी पार्ट में अगेन पहले क्लॉक बना लेंगे, 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11। अब वो बोल रहा है 7 से 10 पे जाना है, तो 7 से 10 पर जाएगा, अगेन वही यहाँ से इधर को जा रहा है, ठीक है। तो अब हम 7 to 8 में कितना आया, 30 डिग्री, 8 से 9 में कितना आएगा, 30 डिग्री, और 9 से 10 में कितना आएगा, 30 डिग्री। तो कितनी बार 30 आया हमारा, 3 बार, दैट मीन्स कितना हो गया, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, तो अगेन वही फुल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, और क्वेश्चन में था 7 to 10 इक्वल्स टू कितना डिग्री बनाया हमारा, 90 डिग्री। फ्रैक्शन बनाऊंगी तो 90/360, 0 से 0 कट गया, अगेन 9 × 9, 9 × 36, और फ्रैक्शन मेरा बन जाएगा 1/4, क्लियर। इसके बाद पार्ट डी की तरफ चलते हैं, जो डी पार्ट है वो बोलता है कि 12 to 9 जाएगा, 12 to 9 जाएगा, तो डी पार्ट 12 to 9 है। सर्कल बनाएंगे जिसमें क्लॉक हमें ड्रॉ करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 12 से कहाँ जाएगा, 12 से 9 जाएगा, 12 से 9 जाएगा। अब ये 12 से 9 इधर से जाएगा, ठीक है, 12 से 9 इधर से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। तो इधर से जाने के लिए फिर हम अगेन काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, अगेन 1 to 2 = 30, 2 to 3 = 30, 3 to 4 = 30, 4 to 5 = 30, 5 to 6 = 30, 6 to 7 = 30, और 7 से 8 पर भी 30 होगा, 8 से 9 पर भी 30 होगा, और 9 से 10 पर भी 30 होगा। तो इन सब 30s को हम प्लस कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 × 30 आया, तो 10 × 30 करेंगे तो 300 आ जाएगा। अगेन वही लिखेंगे, फुल रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, 12 से 9 पर गया, 9 से 12 पर नहीं गया, 12 से 9 पर गया, ठीक है। तो आएगा 300 एंगल, और फ्रैक्शन बनेगा
तो आ जाएगा 300 अपॉन 360, जीरो से जीरो कट गया, इसको कट करेंगे 3 × 3 जीरो, 3 × 3 3 × 2 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फ्रैक्शन कितना बन गया मेरा 5/6। अगर मेरी यहाँ पर कोई डिवीजन में गलती होगी तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल इन्हीं की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ पर जो दो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ई और एफ पार्ट आपका होमवर्क में है, ई और एफ पार्ट आपका होमवर्क में है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप। अब यहाँ पर ना हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं और क्लॉक की फर्स्ट जो आवर हैंड है वो हमें बता रखा है। अब हमें बताना है कि एंगल कहाँ जाकर बनाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, एंगल कहाँ पर जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज तो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लॉक की डायरेक्शन में, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में, 4 में, 5 में, क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन बताना है, जैसे यहाँ पर वो कह रहा है 12 से स्टार्ट करा, 12 से स्टार्ट कर दिया, 12 से तो उसने स्टार्ट कर दिया, वो कह रहा है लेकिन जब हाफ रेवोल्यूशन बनाएगा ना तो कौन से नंबर पे आके रुकेगा। अब दूसरा मिनट हैंड, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दोनों हैंड्स दे रखे थे, यहाँ पर हमें अब हमें बताना है कि कहाँ पर जाकर रुकेगा, ठीक है, तो वो बताना है। हमें फ्रैक्शन दे रखा है, हमें डिग्री निकालनी है, तो इसको करने के लिए हम जो है इसका रेवोल्यूशन आपको पता है, रेवोल्यूशन कितना देगा 360 डिग्री, तो हर किसी में रेवोल्यूशन कितना हो गया, चारों पार्ट में रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, इसको बाद में देखेंगे, वो 12 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ 5 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ 5 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये तो हो गया स्टार्ट वाले पॉइंट। जैसे अगर मैं वॉच बनाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब यहाँ पर क्लॉक जो स्टार्ट हो रही है वो 12 से स्टार्ट हो रही है और रेवोल्यूशन जाना है, मतलब यहां से घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। अब ये ए पार्ट है, यहां पर बी पार्ट की भी क्लॉक बना लो, 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहां पर कहां से स्टार्ट, स्टार्ट स्टार्ट वाला बटन बताया हुआ है हमें, तो स्टार्ट वाली सुई जो है ये 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और रेवोल्यूशन यहाँ से भी ऐसे ही घूमेगा, मतलब रेवोल्यूशन का मतलब सीधी घूमनी है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमनी, ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट अगर करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो वो स्टार्ट कर रहा है 5 से। अब मैंने सबकी बना ली, ये वाला भी 5 से ही है, यहाँ पर जो है इसका 3/4 फ्रैक्शन है, तो ये 12 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ पर भी क्लॉक मेरी जो स्टार्ट हो रही है वो 5 से स्टार्ट हो रही है और रेवोल्यूशन मेरा इधर से ही चलेगा। अब क्या करना है आपको, अब हम पहले रेवोल्यूशन वाले पार्ट को देखेंगे, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ऑफ का मतलब पता है हमें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, सेकंड पार्ट में भी हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, थर्ड पार्ट में है 1/4 रेवोल्यूशन और फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। अब हमें ऑफ का मतलब पता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई, रेवोल्यूशन कितना था 360 डिग्री, 1/2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री और 3/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको 2 से 360 को डिवाइड करेंगे, 2 × 2, जब आप डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे 360 को 2 से तो 180 आ जाएगा, अब यहाँ पर 4 को 360 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4, 4 × 9 = 36, 90 आ जाएगा, अब यहाँ पर भी 4 को जब आप डिवाइड करोगे 360 से तो 90 तो आएगा ही, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से, तो मेरा बन जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 90 = 90 डिग्री, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 180 = 180 डिग्री, और यहाँ पर भी मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 180 = 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें दूसरी
जो सुई है उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है कि कहाँ पर जाके रुकेगी। अब 180 डिग्री तो हमें पता चल गया एंगल, अब हमें 180 डिग्री निकालना कैसे है। देखो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी कि हम हर नंबर के बीच में 30 को काउंट करते हैं, 30 डिग्री का एंगल काउंट होता है। तो 30 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1 से 2 तक 30 हो गया, 2 से 3 तक 30 हो गया, 3 से 4 तक 30 हो गया, 4 से 5 तक 30 हो गया, 5 से 6 तक 30 हो गया। अब इसको जब हम काउंट करेंगे तो 3 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। तो मेरी सुई कहाँ पर आएगी, कहाँ पर स्टॉप होगी, 6 पर स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो मैं लिखूंगी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स एट, द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स एट 6। ठीक है, यहाँ पर भी 2 से, लेकिन यहाँ पर 6 मत लिख देना क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 12 से स्टार्ट हो रहा था। अब देखो यहाँ पर ये 30 हो गया और मुझे पता है अब 30 काउंट होता जाएगा, तो जहाँ पर मेरा 60 आ जाएगा, मैं 180 आ जाएगा, वहाँ पर रुक जाऊँगी मैं। ठीक है, 3 से काउंट करेंगे, 3 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18। तो अब मेरा कहाँ पर आके रुकेगी सुई, अब मेरी रुकेगी सुई आकर 8 के ऊपर। ठीक है, आप जब काउंट करोगे ना 30 तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर आकर स्टॉप करना है जब 30 को आप प्लस करोगे या 3 का टेबल काउंट करोगे। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर लिखेंगे द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स एट 8। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री चाहिए मुझे, तो ज़्यादा तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, इन दोनों के बीच का 30, इन दोनों के बीच का 30 और इन दोनों के बीच का 30। तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 मुझे 90 डिग्री चाहिए था, तो कहाँ पर आकर रुकी हैंड क्लॉक, द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स एट 8। इसी तरह से इसका काउंट करोगे और 270 आना चाहिए। ये अब आप होमवर्क में सॉल्व करना और बताना द हैंड ऑफ अ क्लॉक सब सेट कहाँ पर जाकर रुकेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हम डायरेक्शंस की बात करेंगे। तो पहले हम डायरेक्शंस ना एक बार सीख लें कैसे। जैसे ये मेरा ईस्ट होगा, ये मेरा वेस्ट होगा, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन और ये मेरा साउथ डायरेक्शन। अब आप हमेशा एक बात याद रखना, जो ये ईस्ट से लेकर साउथ तक का बनाएगा ये 90 डिग्री का बनाएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, इसी तरह से इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और जब ये घूमेगा तो एक सर्कल बनेगा, जब सर्कल बनेगा तो कितना रेवोल्यूशन बनाएगा, 360 रेवोल्यूशन बनाएगा। ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब क्या बोल रहा है। विच डायरेक्शन विल यू फेस, किस डायरेक्शन को फेस करोगे अगर आप स्टार्ट करोगे ईस्ट से हाफ रेवोल्यूशन बनाओगे तो। ठीक है, वेस्ट से 1.5 रेवोल्यूशन बनाओगे तो, वेस्ट सॉरी ईस्ट से, यहाँ पर वेस्ट से 3/4 रेवोल्यूशन बनाओगे और यहाँ पर साउथ से एक पूरा रेवोल्यूशन बनाओगे। तो देखो रेवोल्यूशन बनाने के लिए मुझे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो मैंने तुम्हें अभी बताई। ठीक है, चारों पार्ट के लिए हमें डायरेक्शंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये चारों डायरेक्शंस मैंने, चारों पार्ट की डायरेक्शंस जो है मैंने ड्रॉ कर ली। अब देखो एक चीज, ईस्ट से स्टार्ट करा हाफ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम इन सब के रेवोल्यूशन निकालेंगे, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, यहां पर 1/1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक, यहां पर 3/4 रेवोल्यूशन और यहां पर मेरा फुल रेवोल्यूशन, फुल रेवोल्यूशन, एक पूरा रेवोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो चीज देखने वाली है, हाफ रेवोल्यूशन को तो मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 360 से। अब यहां पर 1.5 है, तो 1 तो मुझे पता है कि यहां पर 1 फुल रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन का मुझे निकालना पड़ेगा, तो हाफ इंटू 360,
वन तो फुल है, ये नहीं भूलना, ठीक है। इसके बाद 3/4 मल्टीप्लाई बाई 360, और यहाँ पर तो पूरी रेवोल्यूशन है, तो इसका मतलब 360 की बात हो रही है पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं डिग्री निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगी पहले की तरह, तो 180 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे जब करूंगी तो 180 आ जाएगा, 1+, क्योंकि एक पूरी रेवोल्यूशन थी, ठीक है, एक पूरी रेवोल्यूशन थी। जब एक पूरी रेवोल्यूशन थी तो उसके साथ मेरे को क्या करना है, 180 जुड़ जाएगा। तो मतलब एक पूरी रेवोल्यूशन की वैल्यू कितनी थी, 360 प्लस 180, ठीक है। यहाँ पर 4 × 4 = 4, 9 × 36, और 3 को 90 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 270। और यहाँ पर तो मेरी फुल रेवोल्यूशन है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, 180 का रेवोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करा, ईस्ट से। अब ईस्ट से जब स्टार्ट करेगा और 180 का बनाना है, तो ईस्ट से साउथ तक 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट तक भी 90 डिग्री, ठीक है। तो कहाँ पर जाकर फेस होगा, देखो 90 + 90 = 180, ईस्ट से स्टार्ट करा, ईस्ट से स्टार्ट करा, और रुकना कहाँ पर है, उसको जाकर वेस्ट में रुकेगा। तो वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा एक पूरा रेवोल्यूशन, मतलब ईस्ट से शुरू कर रहा है, पहले तो इसको खत्म करते हैं। एक पूरा रेवोल्यूशन जब खत्म करा, ईस्ट से चला, पूरा रेवोल्यूशन खत्म करा, तो ईस्ट तक आ गया, एक रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया। अब हाफ रेवोल्यूशन चलना है, तो हाफ रेवोल्यूशन का कितना था, 180 डिग्री, ये तो हो गया ना मेरा, एक पूरा रेवोल्यूशन मैंने घूम लिया, ईस्ट से शुरू करा, ईस्ट पर ही आ गई। अब वो बोल रहा है हाफ वाले रेवोल्यूशन का निकालो, 180 का, तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा 90, और यहाँ से यहाँ पर जाएगा 90 + 90 = 180, तो वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, थर्ड की तरफ को, 3/4 काला, तो 70 आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं, 270 का कहाँ से जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, वेस्ट से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट से यहाँ गया 90 डिग्री, नॉर्थ पर, ठीक है। नॉर्थ से जब ईस्ट में गया तब भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ईस्ट से जब यहाँ गया तब भी 90 डिग्री, ठीक है। तो 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, तो कहाँ आकर रुकेगा ये बताओ जल्दी, कहाँ आकर रुकेगा ये, ये रुकेगा वेस्ट से स्टार्ट करा 3/4 रेवोल्यूशन, तो आएगा मेरा यहाँ पर साउथ का डायरेक्शन, कौन सा आएगा मेरा, साउथ का डायरेक्शन, वी विल फेस साउथ, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, अब कहाँ से स्टार्ट करना है, साउथ से स्टार्ट करना है। अब वो बोल रहा है साउथ से स्टार्ट करके पूरा रेवोल्यूशन कर दिया, तो पूरा रेवोल्यूशन जब करा तो कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और इधर गया, तो यहाँ से स्टार्ट करा, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, और वापस साउथ पर ही आ गया, तो कहाँ पर किसको फेस करेगा, वी विल फेस साउथ, क्यों साउथ करेगा, जहाँ से शुरू करा वहीं तो आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4।